पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 94वीं जयंती को पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सत्ता से बाहर आने के बाद पहली बार भाजपा ने इसे बड़े ही सादगी से मनाया। भाजपा के एकात्म परिसर कार्यालय में भाजपा के सभी पदाधिकारियों ने अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर फूलमाला अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी, साथ ही उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रण भी लिया। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने वाजपेयी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। देश की विशेष चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जो नीतियों को लेकर चलते थे, वैसे ही सोच भाजपा के साथ सभी जनमानस में हो, उनके काम करने की पद्धति सभी को प्रेरित करते रहे। सुशासन दिवस अटल जी के जन्मदिन पे हमने मनाया और सबसे महत्वपूर्ण विषय, अटल जी ने एक नए राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का 2000 में निर्माण किया और इस देश में गुड गवर्नेंस कैसे हो सकता है अपने शासनकाल में उसको उन्होंने दिखाया। एक प्रकार से अटल जी ने गुड गवर्नेंस की उस दिशा को ले जाने का काम किया और आज निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है, देश में एक सुशासन और एक अच्छे शासन लाने। उनकी जयंती के अवसर पर उनकी आत्मा को भी शांति और उनके प्रति सद्भावना श्रद्धा व्यक्त करते हुए उम्मीद करेंगे कि कुछ नीतियों को जो आगे लेके वो चलते थे, वैसी सोच वास्तविक तौर की उनके भी दल के लोगों में आ सके और आम भारतवासियों को भी हमेशा वैसी भावनाएं और काम करने की पद्धति प्रेरित करती है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।